दोस्तों, आप लोगों तो ये वाला वीडियो देखा ही होगा। तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हलगड़ी मच गया है, तो देखा ही होगा। तो कैसे धर के मारधर किया है एलबीएस यादव ने। तो एलबीएस यादव ऐसा काम करने के लिए सही नहीं था, तो उनको माँ बहन की गाली दिया, इसलिए ऐसा काम किया है। तो उसके साथ कौन कौन खड़ा है और क्या क्या होता है देखिए। उसके साथ ये भी खड़ा है। तो अबे उठो ना, दिखाओ ना अपनी पावर। जो तूने ये वाली सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड की है ना, कि मेरे को जान का खतरा है एलविस यादव से, अगर तूने एलविस यादव के ऊपर एफआईआर की, उससे अगले दिन थारा भाई जोगिंदर तेरे ऊपर मानहानि का केस ठोक देगा। 15-20 दिन पहले तूने सोशल मीडिया पे मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर तूने मेरे करेक्टर को गलत बताया है। एलविस यादव के पीछे है ना जोगिंदर यादव खड़ा है, और मैं देखता हूँ कौन एलविस यादव को हाथ लगाता है। लोगों तो देखा होगा एलविस यादव के साथ थारा भाई जोगिंदर भी खड़ा है, और मास्टर के साथ कौन खड़ा है देखिए वीडियो में। चारा एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है मुझे, उसके मुंह पे अच्छे से दाढ़ी भी नहीं आई, और तूने सीधा जाके उसके थप्पड़ में थप्पड़ तूने मारने शुरू कर दिए। तो मैं तुझे यही कहना चाहता हूँ कि तूने जो ये हरकत की है बहुत घटिया हरकत की है। 24 घंटे का टाइम है तेरे पास, इससे चुपचाप माफी मांग रहे वीडियो बना के। अगर तू नहीं माफी मांगता, तुझे लड़ने का इतना ही शौक है, तो आज तुझे मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। थारा भाई जोगिंदर भी एलविस यादव के साथ खड़ा था, फिर भी एलविस यादव माफी मांग लिया है। तो कैसे डालकर माफी मांगा है, तो आप लोग वीडियो में देखिए। मारपिटाई मैंने करी, तो वीडियो को देखिए। उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ कि ज्यादा मार दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। मैं भी इंस्टेंट गुस्सा आ जाता सभी लोगों से, जिन लोगों को लगा कि एलविस की छवि नहीं थी, एलविस ने गलत किया, उन लोगों से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं ऐसा असल जिंदगी में नहीं हूँ। मैं मारपिटाई नहीं करता। बेफालतू में उठो, अपना टाइम वेस्ट करो, मार पिटाई करो, सोशल मीडिया के पछड़ों में पड़ो, FIR कटवाओ, पुलिस में घूमो, ये करो वो करो। मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ऐसी प्रतिक्रिया करी, उसके ज़्यादा लगी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी लोगों से जो मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मेरे लिए उस टाइम मुझे वो सही लगा और मोमेंट में हो गया। क्योंकि ऐसे देख कर आकर उनको इतना मार कर सही नहीं किया है, क्योंकि अच्छे से बात भी कर सकता था, लेकिन बात नहीं किया है, आके सीधा मार दिया है उसको। तो देखिए उनके बाद क्या है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, और भी इंटरेस्ट वीडियो निकल। तो मैं बंगाली से हूँ, इसलिए हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो कुछ भूल हो गया तो माफ कर देना। ठीक है, बाय बाय।